बधिरों के लिए समाचार में आपका स्वागत है, बताएंगी सोनिया शर्मा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को आज सरेंडर करना होगा। सरेंडर करने से पहले सीएम केजरीवाल ने हनुमान मंदिर में दर्शन किया और राजघाट जाकर बापू को नमन किया। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है और कहा कि केजरीवाल सरेंडर को पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए को 370 से 390 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को 135 से 142 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 30 से 40 सीट संभव है। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 4 जून को मोदी सरकार चली जाएगी और इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि दिन में सपने देखने पर पाबंदी नहीं है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद रणनीति बनाने में कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ खड़गे और राहुल गांधी ने वर्चुअल मीटिंग की। बैठक में जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इस बीच एग्जिट पोल पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं है, मोदी मीडिया का पोल है। वहीं एग्जिट पोल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा और कहा कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 4 जून को मोदी सरकार के चले जाने का दावा किया और इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें मिलने की बात कही है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि एग्जिट पोल के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि दिन में सपने देखने पर पाबंदी नहीं है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। पीएम मोदी ने देश के कई हिस्सों में चल रही हीट वेव और पूर्वोत्तर राज्यों में आए साइक्लोन को लेकर मीटिंग की है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए भी एक बैठक करेंगे। इसके साथ ही बैठक में नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे की भी समीक्षा संभव है। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। कुल 60 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों के बाद से ही बीजेपी ने भारी बहुमत से राज्य में अपनी जीत का दावा मजबूत कर लिया है। अब तक हुए वोटों की गिनती में 60 में से 44 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है। वहीं सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। एक बार फिर से राज्य में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार बनने वाली है। एसकेएम को 32 में से 31 सीटों पर जीत मिली है। बधिरों के समाचार में फिलहाल इतना ही। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Z News.